जी हाँ, तो नए साल की शुरुआत हो चुकी है और बहुत सारी अपेक्षाओं के साथ हम इस साल की शुरुआत कर रहे हैं। सब कुछ शुभ हो यही कामना भी करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसकी पूर्ति कैसे हो पाए उसके लिए तमाम जतन भी हम करते हैं। कैसे होगा इससे जुड़ी हर एक खास जानकारी, हर एक खास उपाय आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं। इसलिए बहुत गौर से देखिएगा आपकी राशि अनुसार आपके लिए कौन से अचूक उपाय साबित होने वाले हैं जो आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए वरदान साबित होंगे। लेकिन जब नया साल है तो, और हमारे साथ पंडित सुरेश पांडे जी हैं, तो पंडित जी जाहिर तौर पर आपसे एक संदेश आज बनता है, न सिर्फ हमारे दर्शकों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए। एक संदेश क्या देना चाहेंगे साल की शुरुआत के पहले दिन आप, और हमारे देश के लिए भी, क्योंकि देश की प्रगति एक एक नागरिक की प्रगति से जुड़ी हुई है। तो देश की प्रगति कैसे होने वाली है, देश का भविष्य क्या कहता है 2024 में? देखो ऐसा है, आजाद भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है और कर्क राशि है जी। आज जब हम 1 जनवरी को रात में 12:01 पर प्रवेश हुए हैं तो उस समय की जो ग्रह स्थिति है वो ग्रह स्थिति ये है कि लग्न का स्वामी शुक्र सप्तम भाव में बैठकर लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लग्न के दशम भाव में शनि स्थिर राशि में स्वस्थ होकर बैठा हुआ है। लग्न के चतुर्थ भाव में चंद्रमा स्थिर राशि में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब ये है, राशि से द्वितीय भाव में चंद्रमा है। एक तो देश की आर्थिक स्थिति दिनों दिन अच्छी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई पर कंट्रोल होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तीसरा नंबर, देश का पुरुषार्थ जागृत होगा, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो मुझे दिखाई दे रही है वो वृषभ राशि से मंगल और सूर्य ये दोनों 8वें घर में बैठे हुए हैं, अर्थात यहाँ जो सत्ता में है वही सत्ता में फिर रहेगा। अच्छा, सत्ता स्थिर रहेगी, इसलिए कि कुंभ राशि का शनि स्वगृही दशम भाव में है, इसलिए सत्ता स्थिर रहेगी, सत्ता को कोई हिला डुला नहीं पाएगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि अगर विदेशों से हमारे संबंध के बारे में पूछा जाए तो विदेश से हमारे संबंधों की धाक और जमेगी और विदेश में हमारा प्रभुत्व, हमारा वर्चस्व और बढ़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि वृषभ लग्न से पंचम भाव में केतु की उपस्थिति होना और केतु का शुक्र के साथ होना, बड़े बड़े धार्मिक आयोजन सन 2024 में होंगे जो एक प्रकार से भारत के इतिहास पर लिखेंगे। रामलला विराजमान हो रहे हैं और इसके बाद रामलला विराजमान हो रहे हैं, माँ विंध्यवासिनी का कॉरिडोर बन रहा है और वृंदावन के कॉरिडोर की शुरुआत हो रही है। मतलब कहने का ये कि सचमुच बताऊं, इतनी उम्र हो गई अब लगता है कि जीने का मजा आ गया, अब लगता है कि जीने का मजा आ गया। अब राम की भव्यता, अब काशी में चले जाओ वहाँ की भव्यता, वहाँ की दिव्यता, ये देख करके अपने ऊपर गर्व महसूस होता है। ये सनातन धर्मियों के मन की बात है पंडित जी, जो आप देखिए, ये सबके मन की बात होनी चाहिए। सनातन से बाहर तो कुछ है ही नहीं है। हाँ। जितने भी धर्म हैं, निज प्रभुमय देखिए जगत कहिसन करुई विरोध, पूरे संसार के 750 करोड़ जो लोग हैं ना, वो मेरे परिवार के ही हैं, वो मुझसे अलग नहीं है। वो चाहे जिस धर्म को माने, चाहे जिस तरह की उपासना करें, वो हैं मेरे परिवारीजन। इसलिए मेरा ही ईश्वर उन सभी में भास रहा है अलग अलग नामों से। हमारे दृष्टि में तो वसुधैव कुटुम्बकम, वो सब मेरे परिवार के हैं। अगर किसी को नुकसान होता है तो वो हमारे परिवार की क्षति है। सनातन धर्म की केवल बात नहीं है, सनातन धर्म की केवल बात नहीं है, ये बात है उस मर्यादा पुरुषोत्तम की, उस योगेश्वर कृष्ण की परंपरा का, जिससे मानवता आदर्श लेकर के जीवन जीती है और धरा का उत्थान होता है। इसलिए ये सबके लिए प्रशंसा का विषय होना चाहिए और सबके लिए खुशी और आह्लाद का विषय होना चाहिए जी। और इससे उत्तम बात क्या हो सकती है। साल के पहले ही दिन सबको समाहित करके चलने वाला ये नया वर्ष साबित हो, हम यही कामना करते हैं। और सबसे बड़ी बात,
क्योंकि जितनी भी चीज़ें वर्ल्ड वाइड हो रही हैं, युद्ध हो रहे हैं, जनहानि हो रही है, वो सब खत्म हो और लोगों में प्यार करुणा का संचार हो, ये कामना सब आज कम से कम अपनी पूजा के वक्त ज़रूर मन में इस कामना को रखिएगा, तभी हमारे मानव होने का जो असल धर्म है वो पूरा हो पाएगा।